नमस्कार प्रिय दर्शकों हाजिर हूं मैं एक जनवरी 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुद्धदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की आज बुधवार है पौष मास शुक्ल पक्ष की आज षष्ठी तिथि है जो सायंकाल छ बजकर के सत्ताईस मिनट तक है और इसके पश्चात सप्तमी तिथि है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है व्यतिपात योग तैतिल करण है बात हो गई पंचांग की चंद्रमा आज कुंभ राशि में रहेंगे रात्रि में नौ बजकर के उनतालीस मिनट तक और इसके पश्चात मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और राहु काल का समय दोपहर में बारह बजे से लेकर दोपहर एक बजकर के तीस मिनट तक का होगा जैसा कि आप सभी जानते हैं कोई भी नया कार्य राहु काल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए आज वर्ष का पहला दिन है तो आप सभी को वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं वर्ष के पहले दिन कुछ ऐसा किया जाए जिससे पूरा वर्ष मंगलमय हो तो छोटा सा एक प्रयोग आपको बताऊंगा असल में ये प्रयोग नहीं वरन आप इसे अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकें, आपको आज थोड़ा भी अलग नहीं लगेगा तो इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करिए आज भगवान ने चाहा तो वर्ष मंगलमय ही होगा तो दिव्य महाप्रयोग के बारे में बात करेंगे लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की राहु मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं तो वहीं मंगल वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं शनि सूर्य केतु गुरु और बुद्ध ये पांच ग्रह युति बनाकर धनुराशि में संचरण कर रहे हैं शुक्र का संचरण मकर राशि में तो वहीं चंद्रमा आज कुंभ राशि में रहेंगे रात्रि में राशि परिवर्तन करके मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो यह है ग्रह स्थिति इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया दैनिक राशिफल तैयार किया है वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है नहीं आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है वही आपकी जन्म राशि है अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं सबसे पहले तो आज आपको एक काम करना चाहिए कि नहाने के जल में स्नान के जल में सात बूंद गाय का दूध पहले मिला लीजिए और नहाने से पूर्व अनामिका उंगली से बाल्टी में जल लेकर के उसमें पहले तो थोड़ा सा दूध मिला लीजिए सात बूंद गाय का दूध और अनामिका उंगली से जल पर त्रिभुज बनाइए अनामिका उंगली से जल पर त्रिभुज बनाकर और उसमें ह्रीम मां लक्ष्मी का यह बीज मंत्र है ह्रीम और जल पर अनामिका उंगली से ही त्रिभुज के बीच ह्रीम लिखकर उसी जल से स्नान करिए क्योंकि धनवान न बलवान लोके जो धनवान है वही बलवान है तो वर्ष पर्यंत यह कामना करिए कि मां लक्ष्मी की कृपा मां लक्ष्मी का वर्धस्त आपके माथे पर बना रहे और इसके बाद स्नानादि से निवृत्त होकर के आज कोई और कार्य करें उससे पहले आपको अपने घर के आसपास जो भी गणेश जी का मंदिर हो वहां जरूर जाना चाहिए गणेश जी का दर्शन करना चाहिए और साथ ही साथ गणेश जी को दूर्वा की माला अर्पित करनी चाहिए तो आज ये करिए वर्ष पर्यंत खुशी मिलती रहेगी सफलता मिलती रहेगी कोई भी विघ्न और बाधा जीवन काल में आए उससे पहले ही गणेश जी उसे दूर कर देंगे चलते हैं राशिफल की ओर बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज भी लाभ भाव में ही संचरण कर रहे हैं लगातार जो आप मेहनत कर रहे हैं प्रयत्न कर रहे हैं उसका फायदा आपको मिलने वाला है धन लाभ की स्थिति पूरी तरह से बन गई है कोई भी काम शुरू करने से पहले आपको शांत होकर के विचार कर लेना चाहिए क्योंकि आज कोई अच्छी खबर भी आपको मिलने वाली है वर्ष का पहला दिन है काम भी करना है और साथ ही साथ अपने परिवार के साथ जितना समय आपके पास हो वो समय परिवार को दीजिए साथ काम करने वाले लोगों से आज अच्छी सलाह आपको मिल सकती है और आज तो ये मान के चलिए कि कोई भी आपको अगर सलाह देता हो उस सलाह को स्वीकार अवश्य करना है आपके मन में जो भी शिकायत हो किसी के प्रति उसे आज कम से कम किसी से मत कहिए खुद तक ही रहिए रख रखिए और अपने काम पर ध्यान दीजिए और एक समय में एक से ज्यादा काम करने से बचिए अन्यथा परेशानी हो जाएगी थकान आपको हो जाएगी आप सुस्ती में पड़ जाएंगे और हो सकता है काम बीच में ही छूट जाए या किसी महत्वपूर्ण कार्य की आपसे अनदेखी हो जाए यानी आपको सावधान रहना है नुकसान से अपने आप को बचाने के लिए आपको एक ही काम करना है एक समय में परिवार के साथ समय बिताना आपके लिए बहुत आवश्यक है।, आज अगर आपको धन की है कहीं से तो वैसे तो आज कोई नहीं देना चाहेगा लेकिन हां धन से संबंधित अगर मदद की आवश्यकता है तो जल्दी ही आपको मदद मिल जाएगी व्यापार या नौकरी कोई ऐसी योजना आपके सामने आज आने वाली है जो आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगी प्रेम संबंधों में देखा जाए तो अगर अगर आप सावधान नहीं रहे तो प्रेमी से मतभेद हो सकता है हालांकि बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा जीवन साथी को किसी भी बात पर आज परेशान मत करिएगा और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो मन पढ़ाई में आज कम ही लगने वाला है जल्दबाजी में कोई गलत कदम उठा सकते हैं अतः जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए सेहत आज आपकी बिल्कुल ठीक रहने वाली है मामूली सिर दर्द और बदन दर्द की शिकायत हो सकती है आज गणेश जी के मंदिर में जाना है सबको ही और गणेश जी के मंदिर में जाकर के हो सके तो दुर्वा या दुर्वा की माला अर्पित कर दीजिए लकी अंक आपके लिए चार लकी कलर आपके लिए आज हरा है वृषभ राशि की बात कर ले तो वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होने वाली है हर काम बहुत अच्छी तरह से और आसानी से निपटता चला जाएगा देखा जाए तो कार्यस्थल पर जो भी आपके साथ के लोग हैं आसपास के लोग हैं सभी का सपोर्ट आपको मिलेगा कोई नया फैसला अगर करना चाहते हैं दिन बहुत बढ़िया है धन लाभ के नजरिए से भी देखें तो आज का दिन बहुत बेहतर रहने वाला है कुछ योजनाएं और काम जैसे चल रही है उन्हें वैसे ही चलने दीजिए उसमें छेड़छाड़ मत करिए बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है नए लोगों से आज आपकी मुलाकात हो सकती है मकान भूमि प्लॉट संबंधित जितने भी काम हैं वो सारे काम आपके पूरे हो जाएंगे दोस्तों और रिश्तेदारों से आज आपकी मुलाकात होगी और हो भी क्यों ना वर्ष का पहला दिन है पर याद रखिएगा आपको सावधान रहना है कुछ लोगों से बिना कारण आज बहस भी हो सकती है किसी बात पर जीवन साथी से भी बहस हो सकती है आपको यह ध्यान रखना है कि वर्ष का पहला दिन है किसी भी तरह से जीवन साथी का दिल न दुखाइए प्रेम संबंधों के लिए दिन सामान्य और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो मेहनत करनी होगी लेकिन आज मन कहां पढ़ाई में लगने वाला है और स्वास्थ्य की बात कर ली जाए तो सेहत आज आपकी अच्छी रहने वाली है मां का ख्याल रखिएगा और आज का दिव्य महाप्रयोग कर लीजिएगा गणेश जी के मंदिर में अवश्य जाइएगा उनका दर्शन करने के लिए और उन्हें दुर्गा अर्पित करिए या दुर्गा की माला अर्पित करिएगा वर्ष पर्यंत

बढ़िया मौका आपको जल्द ही मिलने वाला है आने वाले दिनों में आपके सोचे हुए सारे कार्य पूर्ण हो जाएंगे अपनी सफलता की राह में आने वाली हर रुकावट को आप यूं समझ लीजिए कि रोक लेंगे आपको या या आपके जीवन साथी को आज अचानक कोई या तो धन लाभ हो जाए या किसी और प्रकार से लाभ हो जाए व्यापारी वर्ग के लिए भी देखा जाए तो आज बेहतर दिन है भाग्य का साथ मिलेगा व्यापार में बेहतर स्थिति बनी रहने वाली है बस अनजान लोगों से आपको सावधान रहना है कामकाज में बहुत ज्यादा उतावलापन दिखाना या जल्दबाजी करना नुकसान कराने जैसा होगा नुकसान हो जाएगा प्रेम संबंधों के लिए दिन शुभ और दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो अच्छी सफलता मिलने वाली है परंतु मन पढ़ाई में कम ही लगेगा सेहत आज सामान्यतः आपका ठीक ठाक मसालेदार भोजन करने से आप मानेंगे नहीं और करेंगे तो पेट से संबंधित परेशानी अवश्य होगी चोट लगने की घटना भी हो सकती है जरा सावधान रहिए आज का दिव्य महाप्रयोग करिए गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को दूरवा की माला अर्पित करिए लकी अंक आपके लिए एक है और लकी कलर आपके लिए ब्लू है बात कर्क राशि की कर लेते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए दिन कैसा है वर्ष का पहला दिन है वैसे तो अच्छा ही है परंतु किसी की मदद आज आपको लेनी पड़ सकती है अगर किसी मामले में परेशानी है तो अपने जो भी आपकी पहचान है जान पहचान के लोग हैं आज उनसे मदद मांग लीजिए हालांकि कोई नहीं चाहेगा कि वर्ष के पहले दिन आप किसी से मदद मांगे पर फिर भी आपका भी हक बनता है कि आप खुश रहें तो जहां भी दिक्कत हो ताकि यही तो पता चले जब परेशानी हो जब कष्ट हो तो कौन आपके साथ खड़ा है तो जान लिया जाए आज ही आगे बढ़ने के नए रास्ते मिलते चले जाएंगे कोई अच्छी खबर भी आपको मिलने वाली है जीवन में कुछ अच्छे बदलाव भी अवश्य होंगे बस आपको जरा शांत रहना होगा धैर्य बनाकर के रखना होगा आलस्य से बचना होगा सब कुछ आपकी इच्छा के अनुरूप खुद ब खुद होने लगेगा किसी भी तरह से विवाद या तनाव में अपने आप को नहीं डालना है वर्ष का पहला दिन है बढ़िया से बिताइए जिम्मेवार हो सकता है परंतु घबराइए मत सब कुछ ठीक हो जाएगा व्यापारी वर्ग की बात करूं व्यापार में टाइम अच्छा है कुछ नया और महत्वपूर्ण होने वाला है या यूं कहें कि नए और महत्वपूर्ण लोगों से आपकी मुलाकात होगी नए प्लान बनेंगे आपको सफलता मिलेगी हाँ गोचर कुंडली में चंद्रमा जो अष्टम में संचरण हैं तो थोड़ी परेशानी भी होगी तो परेशानी होगी तो उसका हल भी है वर्ष के पहले दिन ही आज आपको एक ही उपाय करने की मैं सलाह दूंगा गणेश जी के मंदिर में चले जाइए और गणेश जी को जाकर के दूरवा की माला अर्पित करिए हर समस्या से हर परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी दूसरों के झगड़े में आपको नहीं पढ़कर पढ़ना है अपना समय खराब नहीं करना है और जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करिए जीवन साथी की भावनाओं को समझने की कोशिश करिए सब बढ़िया होगा प्रेम संबंध के लिए भी दिन सामान्य और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है परीक्षा में सफलता से संबंधित अच्छी खबर सेहत आज आपकी सामान्य रहने वाली है हाँ मौसमी बीमारियों से जरा सावधान अवश्य रहिएगा लकी अंक आपके लिए सात है और लकी कलर आपके लिए आज मेहरून है बात सिंह राशि की कर लेते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है गोचर कुंडली में चंद्रमा का संचरण राशि से सप्तमस्त होना बढ़िया होगा आपके लिए जितने भी आपके रोजमर्रा के काम हैं सब एक एक करके पूरे होते चले जाएंगे नौकरी में अगर प्रमोशन चाहते थे तो समझ लीजिए कि नौ वर्ष का उपहार आपको मिलने वाला है ऐसा ऐसी कोई खबर या संकेत आपको जल्द ही प्राप्त होने वाला आज आप बहुत ज्यादा एक्टिव रहेंगे और हो भी क्यों ना वर्ष का पहला दिन है होना ही चाहिए आज कोई बड़ा फैसला लेने से पहले आपको चाहिए कि सारे विकल्पों पर एक बार विचार कर लें किसी भी तरह का जोखिम आज आपको नहीं लेना चाहिए कोई कर्ज लेना चाह रहे हैं तो भी एक दो दिन रुक जाइए आज आपको अपने मूड पर अपने स्वभाव पर कंट्रोल रखना होगा और जहां तक हो सके शांत बने रहना होगा समय का आनंद लीजिए जैसे वक्त बीत रहा है बीतने दीजिए किसी भी बात को बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचना है समय पहले की अपेक्षा ठीक है और ठीक होगा धैर्य बनाए रखिए किसी पुराने परिचित से आज, आज आपकी मुलाकात होने वाली है इसके योग बन रहे हैं और साझेदारी में अगर आप व्यापार करते हैं तो आपको फायदा मिलने वाला है लेन देन के मामलों में सदैव अपने पार्टनर को अपने साथ रखना चाहिए पैसों के मामले में आज कोई विवाद हो सकता है सो सावधान रहिए और हो सके तो लेन देन का जितना भी मामला है आज स्थगित रखिए किसी पुरानी बात को लेकर के जीवन साथी से आज तु -तु मैं, मैं हो सकती है अनबन हो सकती है जो कि ठीक नहीं है ये दाम्पत्य जीवन के लिए तो बिल्कुल ही ठीक नहीं और वर्ष के पहले दिन ही तू तुम -तू -मैं -मैं होना अच्छा नहीं कहा जा सकता विद्यार्थी वर्ग के लिए दिन अच्छा है सीनियर्स की की मदद मदद मिलती रहेगी दोस्तों की मदद मिलेगी और वहीं अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सब सामान्य रहने वाला है बस आलस्य की स्थिति रहेगी बाकी कोई दिक्कत नहीं गणेश जी के मंदिर में जाइए और गणेश जी को दूरवा अर्पित करिए दूर्वा की माला अर्पित करिए लकी अंक आपके लिए आठ लकी कलर आपके लिए आज केशरिया है तो वही बात हम कन्या राशि की कर लेते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है आज का दिन आपके लिए देखा जाए तो बड़ा ही महत्वपूर्ण रहने वाला है लगभग सारी समस्याओं का समाधान आप अपने प्रयत्नों के द्वारा अपने कोशिशों के द्वारा जल्द ही कर लेंगे आपको अपनी दिनचर्या सहज और सरल रखनी होगी किस्मत के दरवाजे जल्द ही खुलेंगे बस अवसर को पहचानिए अवसर मिलते ही बस आगे बढ़ जाइए किसी की मदद चाहिए मदद मिल जाएगी लेकिन एक बात तय मानिए कि किसी और की मदद चाहिए उससे पहले आप अपनी खुद की मदद करिए व्यापारी वर्ग की बात करूं तो व्यापार में परिवर्तन का मन बनेगा नई योजनाएं बनेंगी लेन देन के मामलों में आपको सावधानी रखना होगा व्यापार से संबंधित कोई महत्वपूर्ण फैसला अगर लेना चाहते हैं तो पहले अच्छे से सोच विचार कर लीजिएगा और इसके बाद ही फैसला लीजिएगा मेहनत का सकारात्मक परिणाम आपको मिलने वाला है और राजनीति के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो समय बड़ा ही बेहतर है आज आपको अपने खर्च पर कंट्रोल रखना होगा वाहन चलाने में सावधानी रखने की जरूरत है और आज किसी पुराने दुश्मन से आपको उलझना पड़ सकता है किसी भी बात की ज्यादा जिद्द आज, आज आपको नहीं करनी है मुश्किल होगी वरना परेशान हो जाएंगे आप और जीवन साथी से अगर देखा जाए तो सहयोग मिलेगा पग, पग पग पर दाम्पत्य जीवन खुशहाली भरा है विद्यार्थी वर्ग के लिए दिन आज बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता मन पढ़ाई में नहीं लगेगा आलस्य की स्तुति रहेगी और प्रेमी की कोई बात आज आपको चुभ सकती है जरा सावधान रहिए और ठीक है कोई बात नहीं बाद में सब ठीक हो जाएगा मौसमी बीमारियों से आपको सावधान रहना होगा और आज गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को दुर्वा की माला या दुर्वा अर्पित कर दीजिए काम बन जाएगा लकी अंक आपके लिए एक लकी कलर आपके लिए आज लाल है और बात तुला राशि की कर लें तो कोई पुराना काम जो बहुत दिनों से अटका पड़ा था लटका पड़ा था यूं समझ लीजिए कि वो पूरा होने जा रहा है गोचर में चंद्रमा का संचरण आज आपकी राशि से पंचम भाव में है धन लाभ की स्थिति बनी है रुका हुआ धन वापस आएगा और आज आपको काफी शांति भी मिलने वाली है एक बात ध्यान रखिएगा कि कहीं भी कार्यक्षेत्र में है तो काम शांति के साथ ही करिए धैर्य के साथ ही करिए दूसरों की बात भी गंभीरता के साथ आपको सुननी होगी और अपनी कोशिश तो बिल्कुल ही कम मत होने दीजिएगा कोशिश करेंगे तो सफलता भी मिलेगी अच्छे से लाभ भी आप ले सकेंगे और नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो यूं समझ लीजिए कि दिन बहुत अच्छा है जल्द ही आपको इस आज के दिन नौ वर्ष का उपहार मिल जाएगा करियर से जुड़ी कोई खुशखबरी के रूप में कई दिनों से चली आ रही निराशा जल्द ही खत्म होने वाली है तो वहीं व्यापारियों के लिए देखा जाए तो समय फायदेमंद है अपने काम पर ध्यान दीजिए इधर उधर की बातों में आपको समय नहीं गंवाना चाहिए और अपनी जिम्मेवार की अनदेखी नहीं करनी चाहिए घर का माहौल तनावपूर्ण न हो इस बात का भी ख्याल रखिए अपने खर्च पर नियंत्रण रखिए और जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव जल्द ही मिलेगा विद्यार्थी वर्ग के लिए देखा जाए तो आज का दिन बहुत बढ़िया है मेहनत करना जरूरी है परंतु आज मन कम ही पढ़ाई में लगेगा मेहनत करिए उसका लाभ मिलेगा और सेहत की बात कर ली जाए तो सेहत का ख्याल रखिए स्वास्थ्य से संबंधित रोग आज आपको परेशान कर सकते हैं प्रेमी को आज अपने उपहार दीजिए और आज गणेश जी के मंदिर में जाकर के दुर्गा की माला अर्पित करिए लकी अंक आपके लिए चार लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है बात वृश्चिक राशि की कर लेते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है चंद्रमा का संचरण गोचर कुंडली में आपकी राशि से चौथा चौथे भाव में होना सफलता मिलने वाली है भविष्य की किसी योजना के बारे में आज अपने अधिकारियों से आप बातचीत करने वाले हैं परिवार से जुड़ी कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है किसी से मुलाकात और बातचीत करने के लिए देखा जाए तो दिन बड़ा ही अच्छा रहने वाला है कोई ऐसी बात या ऐसी परिस्थिति आपके सामने आज आ सकती है जो आपकी सोच को बदल करके रख दे बदलाव पूरी तरह से आपके लिए शुभ है इस बदलाव से आपको फायदा मिलेगा व्यापारी वर्ग के लिए देखा जाए मिला जुला है उधार दिया हुआ पैसा वापस आएगा आने वाले दिनों में लेकिन किसी के साथ अगर आपका पैसा किसी के पास फंसा हुआ है तो आज आपको जिद्द नहीं करनी चाहिए नहीं तो परेशानी में पड़ेंगे और आज कहीं भी किसी भी मामले में जिद्द से बचना है किसी भी काम में ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है अन्यथा नुकसान का सामना आपको करना पड़ जाएगा और वाहन चलाते समय तनिक भी लापरवाही हुई तो नुकसान होगा सावधानी रखिए आज अपने प्रेमी से अपने मन की बात बड़ी प्रेम से आप कह सकते हैं सफलता आपको मिल जाएगी प्रेमी से आज, आज आपको कोई उपहार मिलने वाला है तो वही विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है मेहनत से परिणाम कम मिलेंगे और मन भी आज पढ़ाई में नहीं ही लगेगा जीवन साथी के साथ थोड़ा समय व्यतीत करिए जीवन साथी को उपहार दीजिए पुराने रोगों से आज, आज, आज आपको मुक्ति मिल जाएगी स्वास्थ्य में सुधार होगा आज का दिव्य महाप्रयोग करिएगा गणेश जी के मंदिर में जाकर के दर्शन कर लीजिएगा गणेश जी को दुर्गा की माला अर्पित करिएगा लकी अंक आपके लिए एक लकी कलर आपके लिए आज मेजेंटा है बात धनुराशि की कर लेते हैं धनुराशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो दिन आपके लिए बिल्कुल अनुकूल रहने वाला है शुभ परिणाम देने वाला है आज का यह दिन दोस्तों का भाइयों का सबका सहयोग आपको बराबर मिलेगा इनकी मदद से आप आगे भी बढ़ेंगे आपके काम पूर्ण होने वाले हैं आज किसी पुराने दोस्त से भी आपकी मुलाकात होने वाली है इसकी संभावना बन रही है दोस्त की मदद से ही आपका रुका हुआ कोई बड़ा काम पूरा हो जाएगा कहीं निवेश करने वाले हैं तो निवेश अवश्य आप कर सकते हैं लेकिन हां विचार कर लीजिएगा किसी और की बात में आकर के कोई निवेश मत करिएगा आज नए विचारों पर या यूं कहें कि नए विषयों पर चर्चा करना अपने मित्र से अपने जानकारों से जो आपके शुभ चिंतक है उनसे बढ़िया रहेगा वर्ष का पहला दिन है तो यही चाहिए कि पूरे वर्ष कैसा मेरा पूरा वर्ष कैसा बीते इस पर मंथन हो इस पर चर्चा हो इसके लिए योजना बनाइए आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है किसी बुद्धिमान या समझदार इंसान से आज आपको सही सलाह मिलने वाली है आज देखा जाए तो जितना समय आपको मिलता है घर के परिवार के सदस्यों के साथ व्यतीत करिएगा बहुत बढ़िया रहेगा और किसी भी मामले में आज संकोच मत करिएगा नहीं तो संकोच के कारण आप अपने पूरे दिन के दिन को परेशानी में डाल लेंगे यूं समझ लीजिए और जीवन साथी के साथ भावनाओं में संतुलन बिठा करके रखिएगा किसी भी मामले में अगर समस्या हो रही हो खुलकर बातचीत करिए शाम तक हो सकता है परिवार में थोड़ा तनाव भी हो विवाद भी हो परंतु खुद ही सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा सब कुछ सुलझ जाएगा प्रेमी से आपके संबंध में सुधार होने वाला है जीवन साथी के साथ अगर कोई गलत फहमी है तो आज उसे दूर करना होगा जीवन साथी को कोई उपहार दीजिए और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं समय थोड़ा नकारात्मक है सावधान रहिए वैसे आज तो आपका मन पढ़ाई में नहीं ही लगेगा कमर दर्द की शिकायत हो सकती है आज का दिव्य महाप्रयोग करिए गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को दूरबा अथवा दूरबा की माला अर्पित करिए लाभ मिलेगा लकी अंक आपके लिए चार है और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है बात मकर राशि की कर लेते हैं मकर राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहने वाला है दिन बढ़िया है आज आप अच्छा बोलकर मीठा बोलकर अपना कोई भी काम बड़ी आसानी से पूरा कर सकते हैं खुद का अच्छे से ध्यान रखिए पैसों की चिंता मत करिए धन का कोई ना कोई रास्ता बनता चला जाएगा कहीं ना कहीं से धन की व्यवस्था होगी पुरानी जितनी भी चिंताएं हैं समस्याएं हैं उन्हें दिमाग से निकाल दीजिए वर्ष का पहला दिन है और अब नई शुरुआत कीजिए स्थितियां बिल्कुल सहज होती चली जाएंगी आज आपके सामने जो भी मौके आ रहे हैं उन मौकों का फायदा उठाइए कार्यक्षेत्र में अगर कोई पुराना विवाद चल रहा रहा है है तो तो उसे उसके खत्म होने का योग बन व्यापारी तो वर्ग के लिए देखा जाए व्यापार तो में सफलता और लाभ मिलने वाली है कोई कानूनी मामला चल रहा है तो आज आपको सावधान रहना होगा दूसरों की बात आपको ध्यान से सुननी होगी ठीक से समझे बिना ठीक से सुने बिना किसी भी नतीजे पर मत पहुंची और जल्दबाजी में तो कोई फैसला भूल भी मत लीजिए और जरूरत से ज्यादा बिल्कुल मत बोलिए जीवन साथी के साथ जितना हो सके समय व्यतीत करिए आपके लिए बढ़िया होगा आपको आपके जीवन साथी से सम्मान और प्यार मिलेगा रिश्तों में गहराई आएगी विद्यार्थी वर्ग के लिए भी देखा जाए तो आज का दिन बहुत बढ़िया है और प्रेम संबंध की बात करूं तो दिन अच्छा प्रेमी को कोई उपहार हो सके तो दीजिए सेहत आज आपकी सामान्य रहने वाली है दौड़भाग के चलते हो सकता है थोड़ा थकान हो आलस्य की स्थिति बने कोई बात नहीं गणेश जी के मंदिर में जाइए और उन्हें दूर्गा की माला अर्पित करिए आज का दिव्य महाप्रयोग करिए वर्ष पर्यंत आनंद आएगा लकी अंक आपके लिए नौ और लकी कलर आपके लिए आज बादामी है बात कुंभ राशि कर लेते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या मुलाकात हो सकती है कोई नई जानकारी आपको प्राप्त होने वाली है तो वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए देखा जाए तो आज का समय बड़ा ही अनुकूल रहने वाला है पदोन्नति के योग बन रहे हैं कोई नजदीकी व्यक्ति आज आपका हौसला बढ़ा सकता है और ये हौसला बढ़ाना ही आपके लिए रामबाण औषधि की तरह होगा आपको सपोर्ट मिलने वाला है पूर्व से आ रहा विवाद पूर्व से आ रही परेशानी आज सुलस्ति, सुलस्ति हुई दिखाई पड़ेगी जितने भी रोजमर्रा के काम हैं और अगर उनमें कोई रुकावट आ रही थी तो यूं समझ लीजिए कि बस अब वो खत्म होने वाली है आज आपका ध्यान संतान और संतान की शिक्षा की ओर हो सकता है आज अपनी वाणी से आप हर तरह के कार्य पूरे करवा सकते हैं मिला जुला करके कर देखा जाए तो हर प्रकार से दिन बढ़िया है तो व्यापारी वर्ग के लिए भी दिन बहुत अच्छा रहने वाला है लापरवाह मत होइए लापरवाह होने पर कोई ऐसा फैसला आप कर सकते हैं जो खुद आपके लिए नुकसानदेह हो और हड़बड़ी में जल्दबाजी में कोई दुर्घटना भी आपके साथ हो सकती है तो वहीं प्रेम संबंध के लिए देखा जाए तो आज का दिन थोड़ा मिला जुला फल देने वाला है थोड़ी परेशानी भी हो सकती है तो वहीं विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो मेहनत भरा है दिन सफलता मिलेगी स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए जीवन साथी की सेहत का आज आपको ख्याल रखना है और पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है सो मसालेदार भोजन से बचिए और गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को दुर्गा अर्पित करिए करिएगा की कर ली जाए तो मीन राशि के जातकों के लिए दिन मिला जुला रहने वाला है दिन भर प्रसन्नता और संतुष्टि आप महसूस करेंगे आज आपको सिर्फ भरोसेमंद लोगों पर ही विश्वास करना चाहिए आज मेहनत थोड़ी ज्यादा रहने वाली है आपके लिए नकारात्मक विचार किसी भी तरह से अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा वर्ष का पहला दिन है और इसे ऐसे व्यतीत करिए जैसे उत्साह आमदनी में बढ़ोतरी होगी खर्च भी होगा पर कोई बात नहीं व्यापारी वर्ग के लिए देखा जाए तो दिन अच्छा है कार्यस्थल पर सहयोग मिलेगा पर कोई भी फैसला आपको केवल अपनी कल्पना के आधार पर नहीं करनी है इस बात का ख्याल रखिए और एक काम निपट जाए इसके बाद ही दूसरे काम में हाथ डालिए क्योंकि गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से बारहवें भाव में संचरण कर रहे हैं तो थोड़ी मानसिक रूप से आपको परेशान तो करेंगे उसका सीधा सा असर आपके परिवार पर प्यार पर कारोबार पर सब पर पड़ेगा परंतु याद रखिए कहीं भी आपको उलझना नहीं है कहीं भी फंसना नहीं है बस आगे बढ़ते चले जाइए हो सकता है कुछ लोगों से अनबन भी हो कुछ लोग आपको परेशान भी करना चाहें संसार में मत पड़िए धैर्य बनाइए शांत मन करिए और जो भी फैसला आप लेंगे सब सही होगा आक्रामक आक्रामक मत होइएगा और किसी भी प्रकार से अगर किसी से मतभेद होता है तो आपको लड़ने झगड़ने की आवश्यकता नहीं है जीवन शांति के साथ समय व्यतीत करिए प्रेमी के साथ कहीं घूमने के लिए जाइए बहुत अच्छा रहेगा तो विद्यार्थी की बात करूं सफलता मिलने वाली है बस आलस्य से आज बचिए अपनी सेहत का आपको ख्याल रखना होगा नींद से संबंधित परेशानी आपके साथ हो सकती है सरदर्द की शिकायत हो सकती है गणेश जी के मंदिर में जाइए और गणेश जी को जाकर के दुर्वा की माला अर्पित कर दीजिए वर्ष पर्यंत गणेश जी की कृपा बनी रहेगी लकी अंक आपके लिए आज आठ लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है तो प्रिय दर्शकों यह था मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल अभी के लिए बस इतना ही इजाजत दीजिए पुनः मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार